नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे बिजनेस चैनल में, जिसका नाम है इन्फिनिटी बिजनेस आइडिया। मैं आज आपको ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं, आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाएं। आज हम बात करेंगे अमूल हीरो के बारे में, मीन्स अमूल का प्रोडक्ट, अमूल की फ्रेंचाइजी, उसके कैसे ले और कैसे उसका बिजनेस स्टार्ट करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये है अमूल की ऑफिशियल वेबसाइट, जहां हम देखेंगे अमूल पार्लर के बिजनेस के बारे में। यहां पे अमूल के पार्लर के बिजनेस के बारे में सभी इंफॉर्मेशन दी गई है आपको डिटेल में, जो आप भी आपको रिक्वायरमेंट है, मीन्स जो भी उसको अमूल पार्लर का बिजनेस खोलने के लिए जो भी चीज़ यहां पे लगेगी वो सभी डिटेल यहां पे डिटेल में मेंशन की गई है, जिसके लिए आपको आसानी हो अमूल पार्लर खोलने के लिए। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि अमूल पार्लर के बिजनेस में क्या क्या चीज़ लगेगी। अमूल के पार्लर में अमूल के सभी प्रोडक्ट सेल होते हैं और उसमें सब अलग अलग स्क्वायर फीट के हिसाब से, जगह के हिसाब से अमूल पार्लर खुलते हैं, मीन्स अमूल पार्लर और अमूल आउटलेट छोटे बड़े साइज में अवेलेबल है। अमूल की पार्लर की साइज़ करीबन 100 से 300 स्क्वायर फुट में है और वो हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन स्टेशन और सभी इन जो जो भीड़ भाड़ वाले एरिया है वो सभी जगह, और फ्रेंचाइजी के सेल और उनकी जगह और उनके लोकेशन पे डिपेंड करते हैं। जो भी लोकेशन प्राइम और भीड़ भाड़ वाली जगह होगी उसका शायद सेल ज़्यादा भी आए, और कभी लोकेशन प्राइम ना हो तो उसके हिसाब से उसका सेल रहेगा। 1 से 50 मीन्स 1.5 से 6 लाख के बीच अमूल का आउटलेट आप खोल सकते हैं। और एक खास बात जो आपको यहाँ पे नोट करनी चाहिए कि अमूल की फ्रेंचाइजी लेने के बाद आपको कोई भी रॉयल्टी और उसकी फीस देनी नहीं पड़ेगी।
सेल की मात्रा उसकी लोकेशन और उसकी उसकी जगह पे डिपेंड करता है। उसका करीबन 5 से 10 लाख का महीने का टर्नओवर हो सकता है अगर लोकेशन अच्छा हो तो। और बाकी सब डिटेल यहाँ पे डिटेल में दी गई है कि अमूल आउटलेट में कौन सी कितनी कितनी जगह चाहिए और कितने फ्रेंचाइजीज की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा। पहले अमूल आउटलेट में जो रेलवे स्टेशन और पार्लर खुलते हैं तो उसमें करीबन 2 लाख रुपए अप्रोक्स आपको लगेंगे। जो यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितना मुनाफा होगा, वो भी आपको यहाँ पे बताया गया है। उसमें कहाँ कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, मीन्स ये 2 लाख रुपए कौन सी जगह पे यहाँ पे यूज हो गए, वो यहाँ पे दिखाई गया। और सेकंड वाला है जो अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर, जो करीबन 6 लाख का आपको इन्वेस्टमेंट होगा अप्रोक्स नियर अबाउट, जो यहाँ पे लिखा गया है। जो 6 लाख के अंदर 6 लाख कहाँ का पैसे यूज हो गए, यहाँ पे नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है 50,000 रुपये, और रिनोवेशन लगभग करीबन 4 लाख रुपए है, और इक्विपमेंट और बाकी सब मिला के 1.5 लाख रुपए का कॉस्ट यहाँ पे दिखाया गया है। वो सब मिला के करीबन 6 लाख रुपए हो गए, यहाँ पे सब दिखाया गया है। और उसमें अमूल पाल आउटलेट में क्या प्रॉफिट होगा वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। अगर आप मिल्क पाउच लेते हैं तो उसमें 2.5% आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर मिल्क प्रोडक्ट कोई भी अदर मिल्क प्रोडक्ट होगा तो उसमें 10% और आइसक्रीम में 20%। वैसे ही अमूल स्कूपिंग पार्लर में भी ऐसा ही है, जो 50% रेसिपी बेस्ड आइसक्रीम मिलेगा तो उसमें 50% का आपको मुनाफा होगा। जैसे कि उसमें शेक, बैग, पिज़्ज़ा, सैंडविच, चीज़ स्लाइस, बर्गर वगैरह जो इंक्लूड होते हैं। जो प्री पैक आइसक्रीम होता है उसमें 20% का आपको मुनाफा होगा। जो ये सभी आपको डिटेल में यहाँ पे दिया गया है कि अमूल के प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट होगा, वो एक अमूल का मीन्स प्रॉफिट का मीन्स मेन पॉइंट बता सकते हैं। मीन्स अपने को कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अपने को बता दे रहे कि यहाँ पे इतना प्रॉफिट होगा, इसमें इतना प्रॉफिट होगा, जिसे कस्टमर मीन्स कंज्यूमर हो या ओनर को अगर आसानी हो कि ये बिजनेस स्टार्ट करे या ना करे। तो इसलिए आपको ये सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अमूल के ऑफिशियल वेबसाइट पे दी गई है।